हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स पार्ट टू में। तो पिछले वीडियो पार्ट वन में हमने जाना था रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, और इन पर बनाई गई रॉक पेंटिंग्स किन आदिमानों ने कौन से युग काल में बनाए थे। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम उन लाखों वर्ष पुराने 15 रॉक शेल्टर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इनमें बनाई गई हजारों वर्ष पुराने रॉक पेंटिंग्स की बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए उन 15 रॉक शेल्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो पर्यटकों के लिए खुले हैं। चलते हैं पहले रॉक शेल्टर की तरफ। यह रॉक शेल्टर नंबर वन की ऊंचाई 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण यानी नैरो बेस पर बैलेंस हुए खड़ी चट्टान है, जिसमें अशुलियन काल यानी 15 लाख वर्ष पूर्व से लेकर मध्यपाषाण काल यानी मीसोलिथिक पीरियड या 10,000 साल पूर्व तक के अवशेष जैसे कि कुल्हाड़ी आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस रॉक शेल्टर के छत पर दो हाथियों का चित्रण है, जिसमें छोटा हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है जिसके एक हाथ में अंकुश यानी हुक जैसा औजार तथा दूसरे हाथ में भाला है और कमर में तलवार बंधी है। दोनों हाथियों के दांत काफ़ी लंबे और ऊपर की तरफ मुड़े हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र के बाएँ ओर एक घुड़सवार सैनिक का चित्रण है और इसके बाएं भाग में एक बैल का चित्र है जो शिकारी के तीर से घायल है। यह चित्र एक दूसरे चित्र के लेयर के ऊपर ओवरलैप करते हुए बनाई गई है, जिसमें एक घुड़सवार और एक सैनिक धुंधले से दिख रहे हैं। यह रॉक शेल्टर नंबर दो है, जो 5 मीटर ऊंचा है। इसके चित्र प्राकृतिक कारण से धुंधले पड़ चुके हैं। यहाँ 46 आकृतियों की पहचान की गई है, जिनमें मानव आकृतियाँ, जानवर तथा ऐसे कुछ चिन्ह हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। इस रॉक शेल्टर का सबसे स्पष्ट चित्र गेरुआ रंग में एक घुड़सवार का है, जिसे दीवार के बीच देखा जा सकता है। यह रॉक शेल्टर नंबर तीन, जिसकी विशालता के कारण इसे ऑडिटोरियम रॉक भी कहा जाता है और इसी कारण से स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं। यह गुफा 39 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 17 मीटर ऊंची है। इस चट्टान में 17 जगहों पर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड के चित्र देखने को मिलते हैं, जो हल्के और चटक लाल रंगों से निर्मित हैं। इस अर्धगोलाकार रॉक शेल्टर नंबर चार की ऊंचाई 3.4 मीटर है तथा आगे की तरफ का एरिया 14x6 मीटर का है, जो 3.3 मीटर ऊँचा है। इस गुफा का नाम जू रॉक यानी चिड़ियाघर चट्टान रखा गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आकृतियां दिखाई देती है। इसमें कुल 453 आकृतियां बनी हैं, जिसमें 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों, 90 मानव आकृतियां जो विभिन्न कार्य करते हुए दर्शाए गए हैं, इसके अलावा 6 डेकोरेटिव डिज़ाइंस, शंख लिपि में एक अभिलेख या इंस्क्रिप्शन और 99 टूटी हुई आकृतियाँ हैं, और ये सब एक के ऊपर एक 10 ओवरलैपिंग लेयर्स में बनी हुई दिखाई देती हैं। ज़्यादातर आकृतियाँ प्रीहिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल यानी कि 1 लाख वर्ष पुरानी हैं, और कुछ ऐतिहासिक काल यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6th century BC की हैं। रेखा चित्र में पैदल सैनिकों को हाथ में बड़ी तथा सीधी तलवार व ढाल के साथ चित्रित किया गया है। इसी रॉक शेल्टर में नीचे की तरफ और गेरुए रंग में शाही सवारी का अंकन देखा जा सकता है, जिसमें घुड़सवार तथा योद्धाओं को दिखाया गया है। रॉक शेल्टर नंबर 5 में एक के ऊपर एक 2 चैम्बर्स हैं। दोनों चैम्बर्स में सफ़ेद और गेरुए रंग से चित्रण मौजूद हैं। ऊपर के चैम्बर में बकरी, हिरन तथा अन्य जानवरों का चित्र है। पेड़ से छलांग लगाते हुए लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। रॉक शेल्टर नंबर 6 में सफ़ेद रंग में अनेक मानव आकृतियां हैं, जो सीधी कतार में एक दूसरे का हाथ पकड़े समूह में नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, जो मीसोलिथिक पीरियड यानी मध्यपाषाण काल यानी कि 10,000 साल ईसा पूर्व का है। रॉक शेल्टर नंबर 7 के सारे चित्रण ऐतिहासिक काल यानी कि करीब 500 BC या 500 वर्ष ईसा पूर्व की है,
जहां आप छत पर एक तलवारधारी सैनिक को एक सजे हुए घोड़े पर बैठा दिखाया गया है। इसके निचले भाग में 6 घुड़सवार का चित्रण है, जिसमें तीसरा घुड़सवार आकार में सबसे बड़ा दिखाया गया है। इस रॉक शेल्टर नंबर 8 में एक मुख्य कक्ष और एक छोटा कक्ष है। मुख्य कक्ष दो तरफ से बंद है और ऊंचाई में भी कम है। इसकी छत पर समय के साथ धुंधली पड़ चुकी चित्रण मिलती है, जो कि कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना की है। छत पर सफ़ेद और लाल रंग की चित्रण है, जिसमें सफ़ेद रंग के चित्रण पुराने और मिट चुके हैं, क्योंकि लाल रंग के चित्र उनके ऊपर बनाए गए हैं। इसकी गुफा में आप चट्टान के आयरन ऑक्साइड पर ऑक्सीडाइजेशन के कारण जंग लगने की प्रक्रिया भी देख सकते हैं, जिसके कारण इसका रंग गेरुआ लाल रंग दिखाई देता है। रॉक शेल्टर नंबर 9 के चित्र काफ़ी आकर्षक हैं और भीमबेटका के अन्य रॉक पेंटिंग से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि इसमें लाल और गेरुआ रंग के अलावा हरे और पीले रंग का भी उपयोग किया गया है। गहरे सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर एक गुलदस्ता, घोड़ा तथा हाथी पर सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। रॉक शेल्टर नंबर 10 में ज़्यादातर चित्रों की पहचान करना मुश्किल है। कुछ ढोल बजाते व नाचते व्यक्तियों का सफ़ेद रंग में चित्रण है। पत्थर के ऊपरी तरफ एक पेड़ जैसा चित्र है। रॉक शेल्टर 11 में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड यानी 500 BC या 500 वर्ष ईसा पूर्व के घुड़सवार और पैदल सैनिक के चित्रण है, जो सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं और कुछ में लाल रंग की बॉर्डर्स भी दी गई है। अब चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 12, जहां पुरानी निचली लेयर में सफ़ेद रंग में धुंधले हिरन और गाय भैंस जैसे जानवरों की आकृतियां हैं। उनके ऊपर ओवरलैपिंग लेयर्स में गेरुए लाल रंग से बहुत से जानवर जैसे हिरन, गाय भैंस, जंगली सुअर और अन्य जानवरों की आकृतियों के साथ साथ कुछ तलवारधारी घुड़सवार और धनुष बाण लिए मानव आकृतियाँ भी देखी जा सकती हैं। रॉक शेल्टर नंबर 13 में पेंटिंग्स काफ़ी ऊंची जगह पर की गई है। यहाँ वरह यानी जंगली सुअर की दो आकृतियाँ को छत पे स्थित दो अलग अलग पत्थरों पे चित्रित किया गया है। यह एक शिकार का दृश्य है, जिसमें 6 आदमियों को भी चित्रित किया गया है। सुअर के शरीर पर ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बने दिखाई देते हैं। रॉक शेल्टर 14 की ऊँचाई करीब 14 मीटर है, जिसमें सफ़ेद रंग में काफ़ी धुंधली सी चित्र है, जहां कुछ मानव आकृतियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में लाल रंग में एक जानवर को पतले पैर, लंबे सींग और मोटा शरीर पर डिज़ाइन के साथ दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ और धुंधली मानव और जानवर की आकृतियां हैं। आखिरी रॉक शेल्टर यानी रॉक शेल्टर 15 मशरूम शेप का है, जो एक विशालकाय वराह यानी जंगली सुअर की आकृति के लिए फेमस है, जिसके कारण इस चट्टान को वराह या बोर रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, जिसका चित्रण जमीन से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, जिसका 2 सींग है। इस जानवर को बाकी जानवरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा दिखाया गया है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक काल्पनिक पशु है। इसके नाक के पास भागते हुए एक मानव आकृति है। इसके अलावा यहाँ अन्य छोटी मानव आकृतियाँ भी हैं। तो यह था उन लाखों वर्ष पुराने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स का सफ़र।
अगर आपको यह सफ़र पसंद आया और आपने इस सफ़र से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।